उनको डॉक्टर की बात पे शक हो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो भाई मसला अच्छा तकलीफ भी तो नहीं करते हैं, वो भी तो मना कर देते हैं बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर से। तो मिसाल आपकी सही नहीं है ना, तो मिसाल आपकी सही नहीं है। ये चीजें पाई जाती हैं, दोनों तरफ ऐसे ही लोग हैं। मिसाल तो फिर मिसाल आपकी गलत है। अब जो मिसाल उलमा देते हैं कहते हैं ये एक ऐसा सीरा है, ये जो जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवा लेते हैं, डॉक्टर जो कहता है वो अमल करते हैं, ऐसा सीरा है, ये हमेशा रहा है और असर मासूमीन में भी रहा है और मासूमीन अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इसकी तायीद किया है। वो इस तरह से तकलीद को साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप जो आप इजमा बिल मुरक्कब साबित कर रहे हैं, शामिल करते हैं, कहते हैं ये सुन्नत ऐसा है, सीरत ऐसा है कि अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ये होता था। तो बात यह है मेरे भाई मेरे अजीज, ये बात गलत है। इसकी बात गलत क्यों, गलत क्यों है, क्योंकि अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के जमाने में क्यों डॉक्टर ऐसे होते थे, उनके जमाने में तो तबीब होते थे, हकीम होते थे। जैसे मैंने कल वाले स्पीच में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, अगर आपने सुना हुआ होता, गौर से, वो गौर से नहीं सुना ना, गौर से सुना होता तो वो आप ये सवाल नहीं करते। और तकलीर का कन्विंस हो गया कल की आपकी सुनकर, तो बल्कि मुझे ये क्योंकि आपने आप, तो उसमें एक बात करी है, आपने जो एक बात करी ना जो जो मुझे बड़े स्ट्राइक करा जिसने, आई डोंट थिंक आप तकलीर के खिलाफ है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे। मुझे आप मैं ये नहीं कह रहा कि शायद आपको खुद नहीं पता, लेकिन आपने जो कल किया है ना आपने एक्चुअली तकलीफ को साबित करा है नहीं। लेकिन आपकी कुछ कंसर्न्स हैं, आपकी कंसर्न्स हैं। आपका जुमला कल ये था कि अगर इमाम जाफर सादिक एक शख्स को कहे कि ये मेरा वकील है ठीक है और इसको भेज दे कहीं पे इसको फॉलो करो, तो अब वो जो भी कहेगा ना कि नमाज यूं पढ़ो यूं करो तुम ये चीज ये करो ये करो, वो सबके लिए हुज्जत होगी ठीक है। यहाँ तक कि आपके वर्ड्स थे कि यहाँ तक कि अगर वो गलत बात भी बता दे या गलत मसला भी बता दे और लोग उस पर गलत अमल भी कर लें, ना सिर्फ खुदा माफ करेगा बल्कि वो बंदा भी माफ होगा, क्योंकि खुदा के सामने आप बकौल आके आप कहेंगे भाई इमाम जाफर सादिक ने कहा था इसको फॉलो करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इमाम ने उसे अपॉइंट किया है बज़ाते खुद, इसलिए उस बंदे की हर बात हर फतवा उस बंदे का हर फतवा हुज्जत होगा आपके लिए राइट, और चाहे वो गलत भी दे रहा हो, ये आपने कल बात कही थी राइट। तो इसका मतलब ये कि आपको तकलीद से पर से कोई इशू नहीं है और फतवे सुनने से भी आपको कोई मसला नहीं है, आपको मसला सिर्फ इतना हो रहा है कि जो अपॉइंटी है ना वो डायरेक्टली बाय इमाम है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल में असल हमारी जो बहस होनी चाहिए ना वो इस पे होनी चाहिए कि आयतुल्ला सिस्तानी आयतुल्ला खुमैनी या जो जो भी मराज दीन गुजरे हैं क्या वो रियली अपॉइंटी थे बाय द इमाम डायरेक्टली और नॉट, ठीक है। तो इस पर बहस होनी चाहिए और यकीनन वो नहीं थे, यकीनन वो नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अगर आपको फर्ज करें आज पता चल जाता है इमाम ने जमाना आके कहते हैं कि सिस्तानी मेरा अपॉइंटी है, तो आपके सारे शक शुबा दूर हो जाएंगे ना, आपकी हर बात आपको मानी पड़ जाएगी है? लेकिन मसले के इमाम तो गैबत में है, फिजिकली तो इन टच नहीं है किसी से। तो इसका मतलब यह है जैसे रसूल खुदा जाने अपनी जिंदगी में जाने से पहले कोई हल देकर गए थे उम्मत को कि करना क्या है, यकीनन इमाम जमाना ने और हमारे आईना भी हमें हल देकर गए होंगे, हमें हल देकर गए होंगे जब हम फिजिकली मौजूद नहीं होंगे, हम फिजिकली मौजूद नहीं होंगे अपॉइंट करने के लिए टू समवन कि हम किसको अपॉइंट करें, तो देयर शुड बी अ वे टू फाइंड आउट हु वुड बी रिप्रेजेंटिंग दैट। ये एक तरीका होना चाहिए अकली शरीयत द्वार से, और यही तरीका हम जो है इमाम अली के लिए भी यूज करते हैं सुन्नियों के सामने, सेम तरीका यहाँ पर होना चाहिए। तो और यकीन करें कि इमाम बताकर गए, इमाम बता के गए, और इसकी हदीस अल इहतिजाज तिबरी में, अब मुझे नहीं पता वो मुस्तनद है कि नहीं, ये तो आप उलमा लोग ही जानते हैं, लेकिन उसके अंदर यानी इमाम ने ये वर्ड यूज करा युकल्लिदु यानी तकलीद करो इन फुकहा की, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यकीन इमाम के पॉइंट ही होंगे, आई नो इमाम के पॉइंट ही होंगे, वो मेरे आपके पॉइंट ही नहीं, लेकिन इसके बाद के इमाम ने क्या, इसका मतलब है इमाम हमें जो बता के गए ना जिसे कहते हैं ना जामे शराइत होना चाहिए बंदा, तो इमाम ने क्या करा कि जब वो मौजूद नहीं होंगे फिजिकली हमें बताने के लिए, उन्होंने शर्तें रख दी हैं कि पांच छह चीजें देखो जो रावी हदीसों सही है अपने नफ्स पे काबू करते हो या ये करते हो, उन्होंने जो कुछ भी जो जो कुछ भी जो जो प्रॉपर्टी जो मेरिट्स होनी चाहिए उस बंदे की उनकी गैबत के अंदर जब वो डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकते तो उनको तुम फॉलो करो, वो उसी तरह हुज्जत है तुम पर जैसे मैं तुम पर हुज्जत हूं। तो ये हदीसों के एतबार से तो ये लग रहा है ना बुरा का पूरा। इसका मतलब ये है कि तकलीद में ना आपको इशू है
क्योंकि अगर अपॉइंटी बाय इमाम और डायरेक्ट, तो आप तो कहते हैं वो गलत भी अगर फतवे दे रहा होगा तो वो हमारे लिए हुज्जत है और खुदा हमें अजाब भी नहीं देगा। तो इसी तरह अगर हम उन लोगों को पहचान लें जिसकी इमाम हमें पहचान करवा के गए, ये उनमें चीजें मिलती हैं, ठीक है ना, और ये चीजें अगर उनमें मिलती हैं और ये चीजें तो तुम्हारे लिए ऐसी हुज्जत है। तो अब हमें ये मालूम करना है कि उस सिस्तानी में वो चीजें मौजूद है कि नहीं है, चार पांच चीजों इमाम बता के, राइट। अगर नहीं है तो वो नहीं है रिप्रेजेंट, अगर है तो हुज्जत बन गए हमारे लिए, क्योंकि इमाम क्या कर गए, हदीस है। फिर इस बात पे अमल करना भी नस के तहत से होगा, हदीस इमाम के तहत। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी जी, अब आप जैसे मैंने तहम्मुल से सुना आपकी बात, आप मैं तहम्मुल से सुनिए, सिर्फ तीन मिनट सुनिए, फिर आप जो एतराजात आप कर दीजिए। देखें, मैं बहुत दफा एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ या कोई काम कर रहा होता हूँ तो साथ पे कोई लेक्चर वगैरह भी किसी का लगाता हूँ, या इंटरव्यू होता है अहम, वो लगाता हूँ, वो सुनते जाता हूँ। लेकिन क्योंकि काम कर रहा होता हूँ तो वो मैं उसकी सारी बात को नहीं समझ सकता। बाद में वो बाद में कुछ कहता तो मैंने वो पहले कह रहा होता कि मैंने पहले ये कह दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कहा ही नहीं मुझे, हालांकि मैं था, आवाज आ रही थी, लेकिन मैंने उसको समझा नहीं क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था, मेरा फोकस नहीं था। टेक्निकल चीजें जो हैं उस पर फोकस जरूरी होता है। जैसे आप मेडिकल स्कूल में गए हैं, अगर आप फोकस नहीं करते अपने स्टडीज में तो कभी आप डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें डिटेल्स इतना है, तो उसको समझना जरूरी है। डिटेल फोकस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। इसी तरह जो मेरे स्पीचेस हैं, जैसे कल का स्पीच था, अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो आपके सारे अगलब जो इश्काल हैं सिवाय आखिरी इश्काल के, आपका जवाब उसका मैंने जवाब दिया है। पहली बात तो यह है कि हमें जाना होगा जो मैं डॉक्टर वाली मिसाल की एक दफा मैं वजाहत करता हूँ, फिर मैं आपका जो तकलीद के मुताबिक आपने हदीस कोट की है, मैं उसका जवाब दूंगा। डॉक्टर वाली मिसाल जो है, देखें, क्योंकि दुनिया वाले ये करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो कुछ करता है वो कहते हैं, इससे शरई मसला साबित नहीं होता कि हम शरीयत में भी यही है। शरीयत में हमें देखना होगा कि अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम का हुक्म क्या है इस मसले में, कि हम मुसलमानों को शियों को अहकाम की जरूरत है। कोई शख्स पाकिस्तान में रहता है, गांव में रहता है, उसने नमाज पढ़ना, उसने रोजे रखना है, उस तक हुक्म तक कैसे पहुंचेगा, इसका तरीक़ेकार क्या है। अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने जो बताया है उस पर अमल करना होगा। अगर उसने वाकई यही कहा कि जो एक्सपर्ट कह दे तुम कर दो तो अच्छी बात है, अपनी राय से कह दे उसको तुम फॉलो कर दो, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ सकती या कुछ। लेकिन अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा है, उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि हमारे अहादीस पे अमल करो, ये इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें हजारों दलील हैं कि हमारे गुफ्तार पे अमल करो, हमारे नमूने गुफ्तार, और उलमा का काम है, हमारे उलमा का काम है कि हमारे गुफ्तार को, हमारे कलिमात को, हमारे अहादीस को अवाम तक पहुंचा दे, समझा दे, ठीक है ना। और उनमें कई ये नहीं है कि उलमा फतवे दे दें, मैं अभी आपकी तकलीद वाली हदीस जो है उसकी तरफ आ रहा हूँ, तो उलमा फतवे दे दें, आप फतवे पे अमल करें। देखें, ये जो तकलीद वाली हदीस आपने कहा ना कि एहतिजाज तबरसी में फलवा में युकलिदू, इमाम हसन आस्करी अलैहिस्सलाम की तफसीर से वो मनकूल है कि फलवा में युकलिदू। अगर आप, मैंने इस पर शायद इसमें कई एक स्पीचेस किए हैं जो मेरा सीरीज है, उस पर आप अगर तवज्जो दें, उसका इख्तिसार के साथ मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आप इस पूरी हदीस को पढ़ लीजिए, जो ट्रांसलेशन है उसको भी गौर के साथ पढ़िए, हाँ, और सब कुछ the devil is in the details, आपको पता है devil डिटेल में होता है। वह इल्ला अगर डिटेल में ना जाएंगे, शिया भी हक है, मुखालिफिन भी हक है, सब मजाहिब हक है, वो डिटेल्स में पता चल जाता है कौन हक है। तो इस हदीस का मकसद अहाद किस शख्स से हदीस कबूल करें उसके मुताल्लिक है, किस शख्स से तकलीद से मुराद अख्ज़ फतवा नहीं है, अख्ज़ हदीस है उस शख्स के, हम बताते हैं उसकी दलाइल कही है, दलाइल कही है कि अगर आप तसल्ली करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। उस हदीस में ये बात हो रही शुरू में कि बनी इसराइल जो थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो 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 आयात हैं, जो रिवायात हैं, उनके कुतुब में जो थी उन्होंने चेंज कर दी, और उनके अवाम जो हैं उनकी तस्दीक की, उन्होंने उनके अवाम ने अपने उलमा की तस्दीक की, हालांकि वो हदीस गलत कोट कर रहे थे। तो उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे शिया भी ऐसे हैं कि इनमें ऐसे उलमा हैं जो हमारे अहादीस को गलत पहुंचाते हैं, इस तरह तो हाँ फब्रिक, तो ऐसे किन लोगों की तकलीद करनी चाहिए, जिनके वो चार सिफात हैं कि वो सिफात बता दी। तो ये हदीस, ये रिवायत जो है किसके लिए, किस शख्स, तकलीद से मुराद हमेशा ये नहीं है कि कोई शख्स फतवा देता है उसके फतवे पर अमल करें। तकलीद से मुराद ये भी है कि कोई शख्स हदीस नकल करता है उस किसकी हदीस कबूल करें, उसको तकलीद, इस हदीस में तकलीद कहा गया, इसकी दलील क्या है, इस बात की प्रूफ क्या है। मैं कई प्रूफ आपको बताता हूं
आप जितना तसल्ली करेंगे आप मुझे बता दें, डिटेल चाहिए या मुख्तसर? मैं आपकी बात मानता हूँ, देखिए आप दिखाएंगे भी ना मुझे तो उसका उसका हल नहीं होगा, उसका इससे बल्कि एक और बात साबित हो रही है कि जो आज ने कुछ अर्से पहले आपसे बात हुई थी। अब आप मुझे बात बताएं, अब ये जो हदीस मेरे साथ, एक आम आदमी है राइट, मेरे सामने हदीस आए, इस हिसाब से करंट सिस्टम ऑफ जो तकलीद है ना 100% साबित हो रहा है मेरे हिसाब से, मेरी अकल के हिसाब से। इसमें साफ साफ लिखा है युकल्लिदु फुकहा, फुकहा की तकलीद करो। अब मुझे पता है कि भाई ये सब फुकहा है, आयतुल्लाह सिस्तानी फकी है, आयतुल्लाह खमेनाई फकी है, पर ये सब ये फुकहा में तो आ रहे हैं ना, और इमाम कह रहे हैं युकल्लिदु तकलीद करो, किसकी? फुकहा की। कौन फुकहा? ये सामने खड़े हैं। तो मैंने तो, मेरे एक आम आदमी जो है ये तो बड़ा सिंपल सा समझ रहे हैं इस बात को, मेरे लिए तो बहुत मुतशाबे भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी है। अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जो इतनी वाजे हदीस है इसके पीछे असल में ये चीजें हैं, इसमें तकलीद का मतलब ये नहीं, तकलीद का मतलब ये है, इसका इसकी इसकी बात असल में यूं नहीं, इसकी बात असल में यूं है, तो आप नहीं कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मुझे बात बताएं, अब एक आम आदमी जो कि पाकिस्तान के अंदर गांव देहात में रहता है, जिसे अरबी पढ़ना नहीं आती, आप तो उसे पहले अरबी पढ़ाएंगे, फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो सारी हदीसें भी पढ़े, फिर वो 110 वॉल्यूम्स ऑफ द बहर अनवार भी पढ़े, जब भाई और जब ये सिंपल हदीस पढ़ेगा तो उसे समझ में, वो तो वही करेगा जो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, जो आप जो सिस्टम लाना चाह रहे हैं ना शियत के अंदर, जो किस्म का, इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल, क्योंकि बकौल आपके इवन टू अंडरस्टैंड द हदीस वी नीड सम मुअल्लिम। हमें सिर्फ हदीसें पढ़ के हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हदीसें पढ़ के मैं तो कंफ्यूज रहूंगा, अगर मैंने हदीस पढ़ के तकलीद दली तो मैंने तो हराम कर दिया। और बकौल आपके अभी आप तहमुल कीजिए ताकि मैं आपको बात कर सकूं। मतलब ये हुआ था मौलाना, इस मतलब ये बात हो गई ना, क्या तकलीद जब हम दीन में करते हैं इन्हीं चीजों से हम बच जाते हैं, फिर हम उस एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जैसे कि आप इजाजत दें ताकि मैं आपकी बात का जवाब दूं, कहेंगे कि इसमें नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये पब्लिक अकेले कुछ नहीं कर सकती, दे स्टिल हैव टू फॉलो समवन हु नोज द हदीस और हु अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द इस्लाम, द कुरान, द हदीस। उसके बाद जब वो कहता है, अगर आप मुझसे कह रहे हैं ना इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब बेसिकली आप अपना फतवा दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन आपकी राय जो है वो डिपेंड, आपकी राय यकीनन आप उसके लिए हदीस कोट करेंगे, अब लेकिन वो फिर भी आपकी राय ही होगी, क्योंकि हदीस में सरीहन तो फिर भी नहीं होगा ना कि उस हदीस जो मैंने बयान की थी, उस हदीस में जो मैंने तकलीद का वर्ड यूज करा था, उस तकलीद का ये मतलब था, ये तो हदीस आप कभी भी पैदा नहीं कर सकते, ना ला सकते। तो आप अपनी राय ले, इजाजत दें, इजाजत दें आपकी, देखें आपके जहन में यह है इस हदीस से तकलीद साबित होती है, क्योंकि उसमें लफ्ज फकीह आया है, तकलीद का कलिमा आया है, तो इससे आपके लिए तकलीद साबित होती है, क्योंकि आप पूरी जिंदगी, आप जितने साल रहे ना, हमेशा इस हदीस का एक गलत ट्रांसलेशन, एक इस हदीस का गलत तफसीर आपके जहन में बिठाया गया है, तो कोई इससे दूसरा चीज तवक्को करना ही गलत है। जब मसलन मुखालिफ का एक आदमी है, उसको उमर से मोहब्बत करता है, अबू बकर से मोहब्बत करता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी इसी में गुजर गई है कि अबू बकर की तारीफ सुनते हुए, उसके अबू बकर के गलत अफ़ाल, क्यों मुमकिन नहीं है कि अब आप गलत इजाजत दें, इजाजत दें तो उससे और चीज की तवक्को करना ही नहीं है, नहीं हो सकती, तवक्को नहीं हो सकती। अब आप कह रहे हैं कि मैं, अगर आप, मैं इससे समझता हूं, तो आप एक चीज को गलत समझ रहे हैं। क्या आपके ये मुमकिन है कि इसकी हदीस के सही माने समझ लें? जी, आपके लिए बहुत मुमकिन है, अगर आप 5 मिनट सबर करते, मुझे बात करने देते, तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता। आप अभी मेरे स्पीचेस हैं इसी हदीस के मुतालिक, के इस हदीस का मकसद, असल मकसद क्या है, वो बहुत वाज़ह है, यह ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है कि मसलन मैं आपके सामने फर्ज करें कि मैं वो कोई फार्मूला, केमिस्ट्री का कोई फार्मूला, कैलकुलस का कोई फार्मूला पेश करूंगा कि वो भाई वो आपको समझ नहीं आएगी, बात रद्द हो रही है ना, जो इजाजत दें, हदीसें पढ़ो, नहीं इजाजत, मैं आपके सारे बातें मेरे जहन में, आपकी सारी बातें मेरे जहन में, आप एक एक करके मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आप शायद ये सोच रहे हैं, ये जो हमारे उलमा हैं तकलीद के प्रचार करने वाले, इन्होंने एक गलत बात मशहूर कर दी है कि अगर आप तकलीद ना करें तो आपके लिए जरूर